Compound interest is the eighth wonder of science. Chakravarti Vyaj, विज्ञान का आठवां अजूबा है. ध्यान से बेटा, हाँ, दुनिया में सात अजूबे हैं, आठवां अजूबा आज तुम्हारे सामने आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट. और दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कोई बात में दम होगा बेटा. अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का आठवां अजूबा है. कैसे आठवां अजूबा है, ये कहानी के रूप में समझते हैं. ऐसे फॉर्मूले वार्मूले में ना पढ़ने पढ़ाने में मज़ा नहीं आता बेटा. देखो, हमने 100 रुपया बैंक के खाते में रखा बेटा, और ऐसा मैं ले लेता हूँ, ये फर्स्ट ईयर बहुत मज़ा आएगा, ये हो गया सेकेंड ईयर और ये हो गया थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 100 रुपया बेटा बैंक अकाउंट में मैंने रखा, और अगर 10% का इंटरेस्ट, बहुत ध्यान से सुनना बेटा बातें, नहीं तो ये पहले साल के एंड में 100 रुपया तो प्रिंसिपल का था, प्लस 10 रुपी इंटरेस्ट का होके 110 हो गया, है ना. अब ये 110 रुपया 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं बेटा 10th स्टैंडर्ड में. अब ये 110 रुपये का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये सेकेंड ईयर के ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र हो गया. तो ओपनिंग बैलेंस बेटा 110 रुपये का, इसके ऊपर 10% का ब्याज और मारो बेटा, तो ये 110 रुपये ये और 11 रुपये और जुड़ गए. अब मज़ा तुम देख रहे हो दोस्तों कि वो देखो 10 की जगह 11 बन गया. मतलब ये पिता था, इसका एक बच्चा और आ गया इसके साथ में, तो पिता और पुत्र दोनों मिलकर 110 रुपये कमाने लगे. अब ये जो बच्चा था ना 10 रुपये, ये भी इतना बड़ा हो गया कि इसने एक बच्चा और दे दिया. कौन? ये जो 10 रुपये था ना, ये भी हो गया इतना बड़ा कि इसने भी एक बच्चा दे दिया. अब पापा 100 रुपया, ब्याज 10 रुपया, और एक पोता भी आ गया 1 रुपये वाला. ये तीनों मिलकर सुबह सुबह काम धंधे पे निकल जाते. पहले पापा ही निकलते थे 100 रुपये वाले, फिर उसके बाद पापा और बेटा दोनों काम पे निकलने लगे तो ज़्यादा पैसा कमा के आए. अब बेटे का भी बेटा हो गया, तो 100 रुपये के पापा, 10 रुपये का बच्चा, और वो 1 रुपया और जो बच्चे का बच्चा. तो ऐसे तीनों लोग काम धंधे पे निकलने लगे. तो कंपाउंड का फील समझ में आया? कंपाउंड में एक चीज़ मल्टीप्लाई क्यों होती है? क्योंकि पहला एक दो देता, फिर वो दो फिर दो देते, फिर वो दो फिर दो देते, ऐसी चेन चालू हो जाती. अब 100 रुपये के पापा, 10 रुपये का इंटरेस्ट ब्याज का, और 11 रुपया और, ये तीनों मिलकर 121 रुपये हो गए. अब ये 121 रुपये तीसरे साल के ओपनिंग बैलेंस में चढ़ गए. अब इस पे 10% का इंटरेस्ट और लग गया बेटा, बहुत बढ़िया. तो ये हो गया 121 प्लस 10% और जोड़ो, तो 12 रुपये 10 पैसे और हो गया, तो 133 रुपये 10 पैसे. और ये तो बाय गॉड, ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है यार. जैसा अपन ने बोला, पॉपुलेशन क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही? कि हर व्यक्ति अपना योगदान दिए बगैर दुनिया से निकलता ही नहीं है. बोले मैं भी कंट्रीब्यूट, अरे पर भैया बहुत हो गए दादा, पर मैं मानूंगा थोड़ी. तुम सब योगदान दोगे, पर मैं बोलूँगा कि मत दो तो भी तुम मानोगे थोड़ी. इसको बोलते एक्सप्लोजन. अच्छा, इस एक्सप्लोजन को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लो ना, कि तुम जो हर 1 रुपया कमाते हो उसको काम पर क्यों नहीं लगाते हो? जब हम सब मिलकर इतना काम करते तो हमारे द्वारा कमाया गया पैसा काम क्यों नहीं करता? इसलिए डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू. अपना पैसा तो सोता है घर में, 500 का नोट गांधी जी जेब में सोते, 2000 का नोट सोते, सोना नहीं किसी को. अपन इतनी मेहनत कर रहे, एक एक पैसे पे हंटर लेके खड़े हो जाएंगे. निकल काम पे, खाली नहीं छोड़ना पैसे को. तो फिर वो मल्टीप्लाई होता, उसको बोलते कंपाउंडिंग, 133 रुपये 10 पैसे. अब ये तो अभी 3 साल का है राजा मेरे, ये जब इधर जाकर पर्दे के पीछे मैं बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है. अरे बाप रे, तुम देखोगे डर जाओगे. ऐसा पर्दे के पीछे ऐसा करोड़ों रुपए बनना शुरू हो जाएंगे जब हम आगे जाएंगे. अच्छा, ये कंपाउंड था, बीच में सिंपल आ गया. बोले सर मैं भी खेलूंगा. अरे मैंने, ओए तू मत खेल इसके साथ. बोले सर एक बार कंपेयर तो करके बताओ. मैंने, बेटा तू समझ, सिंपल को समझाया, तेरा कोई रोल नहीं, अब कंपाउंड आ चुका है. देख, पहले साल में 110 रुपये बनते, क्योंकि 100 रुपये का ब्याज, 100 रुपये का प्रिंसिपल, 10 रुपये का ब्याज, 110 रुपये, तो दोनों मिलकर 110 रुपये होते. दूसरे साल में 110 का 120 रुपये होता, तो बोलता देखो सर मैं फर्स्ट ईयर में तो हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं. मैंने कहा ए पगले, तू इसके साथ पंगा मत ले, वो कंपाउंड, वो खरगोश, तू कछुआ. पहले साल में तो दोनों एक साथ एक जगह खड़े ना, खरगोश भी इधर खड़ा, कछुआ भी इधर खड़ा. अभी क्या पहले साल में? अभी देख दूसरे साल में थोड़ा सा कछुआ आगे निकल गया, खरगोश आगे निकल गया 1 रुपये से. और तीसरे साल में देख बेटा तू बनेगा 130, और ये देख ये बनेगा 133 रुपये 10 पैसे.
तो सर 3 रुपए 10 पैसे ही है। ओ दादा मेरे, उसमें देख वो पहले कुछ भी अंतर नहीं था, फिर 1 रुपए का अंतर आया, फिर इन दोनों के बीच में 3 रुपए 10 पैसे का अंतर आया। क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं दिख रही? इसलिए ये बोला हमने सिंपल इंटरेस्ट को कि बेटा तू कछुआ है और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है ये खरगोश है, इससे पंगा लेने का नहीं। तो फिर वो पंगा लिया ही नहीं आज तक उसने। और हमने बोला ये आगे बढ़कर कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं देख कि पहले साल में सेम है, वो तो पावर मारा ही नहीं कंपाउंड ने, दूसरे साल में पावर आया, तीसरे साल में और पावर आएगा। इसलिए मनी को मल्टीप्लाई करने का बेटा, और मनी मल्टीप्लाई होकर इतना बड़ा हो जाता है। मैं कभी कभी सोचता वर्जिन एटलांटिक के रिचर्ड ब्रॉन्सन यार 75 कंपनी कैसे मैनेज, 75 भी कम बोल दिया, 150 के ऊपर कंपनी है, वर्जिन मोबाइल, वर्जिन एयरवेज, वर्जिन रेलवेज, वर्जिन ऐसा ऐसा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो क्योंकि वो पैसा जनरेट हो रहा है फिर उससे नई कंपनी बना देते, फिर हर कंपनी पैसा कमाती फिर उससे नई कंपनी बना देते। टाटा कैसे मैनेज करता इतनी कंपनीज को, क्योंकि हर कंपनी पैसा जनरेट करती, फिर वो पैसा जनरेट करने के बाद क्या पैसा घर ले जाते? नहीं, उस पैसे से फिर नई कंपनी बनाते। ओ तो पैसे से पैसा मल्टीप्लाई ऐसे होता है। ऐसा नहीं बोलना सर मेरे पास तो शुरुआती पैसा नहीं है, इससे बुरी हालत तो तुम्हारी और मेरी नहीं ना कि हमने भजिए बेचने से अपने जीवन की शुरुआत करी, और फिर धीरूभाई अंबानी तो भजिए से शुरू करा और उनकी संपत्ति 99,000 करोड़ तक पहुंची। तो क्यों गलत गलत एक्सक्यूज देता है? जेब में जितना भी पैसा है काफ़ी है, बशर्ते कंपाउंडिंग करने की टेक्निक आ जाए। कंपाउंडिंग कैसे होगा? बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस। मनीष भैया हमारे बाहर बैठे ना, बहुत सिंसियर आदमी है, उनके गाड़ियाँ चलती है, उनने पर एक बार गाड़ी खरीदी होगी और उस गाड़ी से पैसा कमाया होगा, फिर उनने उस पैसे को घर थोड़ी ले गए, फिर उनने उससे 2 गाड़ियाँ खरीद ली। आया खेल का मजा? ऐसे कंपाउंडिंग होता। फिर 2 गाड़ियाँ काम पर लग गई, दोनों टूर एंड ट्रेवल्स पे चलने लगी, फिर दोनों गाड़ियों ने पैसा कमाया, तो मनीष भैया ने उस पैसे से क्या घूमने चले गए? नहीं, उनने वो पैसा है उससे फिर 2 गाड़ियाँ, 2 की जगह 4, 4 का 8, और फिर एक समय आने पर वो एंटरप्रेन्योर बन गए। मल्टीपल गाड़ियाँ उनकी है और उनका बिजनेस ऑटोमेटिक चल रहा है, उसको उस बिजनेस को हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटो रनिंग मोड में आ चुका है। पैसा कमाने का सरल सा मंत्र, ऑटो मोड में डाल दो अपने अपने बिजनेसेस को, जो बिजनेस अपने आप पैसा जनरेट करने लगे। और अपन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे बेटा, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार? तुम तो दुनिया को एडवाइस देने वाले लोग हो, तो तुम कैसे फिर सोच सकते हो कि तुम ये नहीं कर सकते? बोलो मंजूर, ठीक है। तो फील तो आ गया सर मुझे, फील तो एक नंबर आ गया सर कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब थोड़ा ये भी बता दो कि एग्ज़ाम में आखिरकार करना क्या है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन। वो बोलेगा 100 रुपीज़ जमा करे, 10% का ब्याज मिला, 3 साल बाद अमाउंट बताओ। तो तुम ये सब फार्मूला जो लिखवाऊंगा वो बात की बात है, विदाउट फार्मूला पहले देख लो, विदाउट फार्मूले में तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा बेटा, कुछ डिफ़िकल्ट थोड़ी है। स्टेप नंबर 1, तुम 100 रुपया टाइप करना, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट एक बार जोड़ना कैलकुलेटर पर, तो कैलकुलेटर फटाक 121 रुपये बोलेगा, प्लस 10% और जोड़ देना, तो कैलकुलेटर फटाक से पहले 110 फिर 121 और फिर 10% फिर से जोड़ देना, फटाक से आवाज़ नहीं आएगी पर आंसर आएगा 133 रुपये 10 पैसे। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं बेटा, आया समझ में? तो प्लस 10% 133 रुपीज़ 10 पैसा, ये क्या आ गया दोस्तों? ये अमाउंट आ गया। पर तुमको इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा तो ना जाके बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ से तुम इंटरेस्ट को माइनस कर दो, इंटरेस्ट कितना बच्चों? 100 रुपये। प्रिंसिपल को माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना बेटा? बहुत बढ़िया। तो बोलो क्या 33 रुपये 10 पैसे का ब्याज आ गया दोस्तों? खेल ख़त्म बच्चा।